लहसुन के दाम गिरने से परेशान राजस्थान के लहसुन उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी है कि जल्द ही सरकार लहसुन 40 से 50 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद सकती है। इसलिए किसानों को लहसुन बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसी महीने लहसुन की बाजार में हस्तक्षेप योजना में खरीद शुरू होने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से राजस्थान में लहसुन के बाजार हस्तक्षेप योजना में खरीद चालू होने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार की ओर से इस संबंध में जल्द केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। गौरतलब है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मंडियों में इन दिनों मध्यम गुणवत्ता का लहसुन 5 से 20 रुपए किलो में बिक रहा है। ऐसे में किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। लहसुन की कम कीमतों के चलते किसानों की मायूसी देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को संवेदनशीलता जताई। उन्होंने राजस्थान के कृषि मंत्री लाल चंद कटारिया को स्वयं फोन कर कहा कि बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत लहसुन खरीद के प्रस्ताव तैयार करवा कर प्रदेश से केंद्र को भिजवाएं। इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द स्वीकृत करवाया जाएगा। भाजपा देहात किसान मोर्चा के देहात अध्यक्ष योगेंद्र नंदवाना अलकू के नेतृत्व में किसान रविवार को तथा संयुक्त किसान मोर्चा के पद अधिकारी इस बारे में सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष बिरला से उनके कैंप कार्यालय में मिले। उन्होंने स्पीकर बिरला से कहा कि मौजूदा भावों से किसान मायूस है। कई ऐसे किसान हैं जो कर्ज में डूब चुके हैं। ऐसे किसानों की मदद के लिए स्पीकर ओम बिरला पहल कर कई कदम उठाएं। स्पीकर बिरला ने उनकी बात और किसानों की परेशानी को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री लाल चंद कटारिया को फोन कर किसानों की परेशानी के बारे में बताया। लाल चंद कटारिया ने भी स्वीकार किया कि लहसुन के दामों में गिरावट के कारण किसानों की परेशानी की जानकारी उन्हें भी है। ऐसे में स्पीकर बिरला ने कहा कि बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत किसानों को राहत दी जा सकती है। राज्य सरकार के स्तर से लहसुन खरीद के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजें। इस प्रस्ताव को 7 दिन में स्वीकृत करवाया जाएगा। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।